स्वागत है मित्रों एंड मित्राणियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया से वीडियो लेके। अभी एक वड़ा पाव वाली बिग बॉस में गई है, वो नौटंकी कर रही है, और एक बेबी का बिग बॉस से बाहर निकल गई है, वो नौटंकी कर रही है। तो आओ जरा दोनों की नौटंकियां देखते और मजे लेते हैं। ये भाई जैसे आया वैसे थैली काउंटर पर रखा, नहीं इस थैली के अंदर इतने सारे वड़ा पाव थे। इसका मुंह क्यों ब्लर कर रहा है, इतना क्या गंदा मुंह लग रहा है बेचारे का, मुंह ब्लर कर दिया। वड़ा पाव इतना बदनाम हो गया कि बांटने वाले भी बदनाम हो रहे हैं, अकेली को बदनाम करो सबको क्यों कर रहे हो। और सिर्फ इतना सुनने के बाद थैली डायरेक्ट गायब। भाई को जब पूछा क्यों बना तो भाई बोला कि बिग बॉस की जो वड़ा पाव गर्ल है वो मेरे लिए गुरु है, इसकी वजह से मुझे परमानेंट टैटू चाहिए वो भी हाथ पे। शौक होने वाली बात है, वड़ा पाव का बनवा लेता मैं कहता हूँ, इसका मुंह बनवाए। तुम सोचो एक लड़का अपनी वाइफ अपनी गर्लफ्रेंड के अलावा अपनी मम्मी के अलावा किसी और का टैटू बनवा रहा है, उसके आसपास वाले 2400 घंटा जब भी उसके आसपास से निकल रहे हैं कि एक रैंडम आदमी देख रहा है उसके हाथ पे। इससे अच्छा भगवान के टैटू बनवा ले भाई, भगवान के तो वैसे टैटू नहीं बनवाने चाहिए हाथ वाथ पे, अपने हाथ से अपन बहुत हर कुछ करते रहते हैं, वो भी सही नहीं रहता। पर वड़ा पाव अगर, हाँ वड़ा पाव का बनवा, मैं तो कहता हूँ लेफ्ट हैंड में बनवा टैटू चाहिए वो भी हाथ पे। भाई की ये बात सुन के मैं भी थोड़ा शॉक हो गया कि वड़ा पाव गर्ल का टैटू बना रहा है। भाई को जब मैंने पूछा कि क्यों बनाया तो भाई ने मुझे बोला कि 6 महीने पहले मेरे ऐसा लग रहा पगड़ी लगा दी इन लोगों ने वड़ा पाव गर्ल को। पर जॉब नहीं था, मतलब मैं जॉबलेस था, पर इनके सारे सोशल मीडिया पे वीडियो देखे जो कि वड़ा पाव गर्ल के नाम से बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हो रही थी, यानी उनका धंधा बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा था, तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना मैं वड़ा पाव का स्टॉल। ऐसा लग रहा है क्या कहते हैं कोई चल बसा है उसका टैटू बनवाया गया, अब नीचे RIP लिखाएगा वही जीत के आएगी, इसकी वजह से भाई ये टैटू बना। And finally, वड़ा पाव गर्ल का टैटू कंप्लीट हो चुका है, तो ये भाई का पहली विनर। हाँ वो भाई साहब वो जो स्ट्रीट बिग बॉस चलता था ना इसका पुणे कुचड़ वाला, उसमें तो विजेता है वो, और क्या प्रॉपर विजेता है। नया सीजन, हाँ आप देख रहे हैं, नया सीजन बहुत बोरिंग है, कुछ मजा नहीं आ रहा है, I'm sorry, not really. हाँ ये थी तभी तो मजे थे, ये थी तभी मजे थे, बात बात पे भगने लगती थी, अपने घर जा रही थी वहाँ पे जाके बैठ गई थी, मुझे एलविश ने ऐसा बोला मैं घर जा रही हूँ, ये फुकरे इंसान ऐसे है वो वैसे, ये थी तभी इंटरटेनमेंट था दोस्तों, ये चली गई इंटरटेनमेंट चला गया। बताओ अनिल सर होस्ट कर रहे हैं, अनिल सर के लिए देखेंगे बाकी किसी के लिए। तो अनिल सर तो हफ्ते में एक बार आएंगे बहन, तू चली जा वाइल्ड कार्ड एंट्री बन के, जगह खाली होगी तो भर जाएगी। कोई होएगा आपका जो दोस्त देख रहेगा वो? नहीं मजा नहीं आ रहा है सॉरी। उससे पूछ रहा है कोई दोस्त है तुम्हारा जिसके लिए तुम देख रहे हो तो कह रही मजा नहीं आ रहा, अलग दुनिया है इसकी, डेलुलू सेलुलू पेलुलू केलुलू क्या पता किसमें जी रही है ये, इसकी दुनिया सच में डेलुलू के अंदर। सच बोल रही हूँ बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, हमने OTT का एक रडार सेट किया था हमने उस सीजन में, लिटरली फुकरा इंसान और एलविश यादव ना होते कानों कान खबर नहीं चलती कब आके चला गया, बेबी का कौन है किसी को पता नहीं चलता, अभी जितने लोग उसको जानते हैं जितने हेट करते हैं वो भी नहीं जान पाते कभी कि बेबी का नाम की कोई इंसान है, हमने एक लेवल सेट किया भाई, अलग दुनिया भाई। लेकिन मनीषा रानी को भी हमारे सीजन में खास तवज्जो नहीं मिलता अगर घर की मेंबर्स उसको पसंद नहीं करते। शुरुआत में मैंने भाई ये कौन सी क्या ले रही है भाई, ये कौन से नशे कर रही है, वो लिटरली ये कह रही है ऑडियंस को इसलिए पसंद है क्योंकि मैंने पसंद कर लिया, इसके हिसाब से हर चीज इसके पास से फिल्टर होती हुई जाती है। पसंद कर लिया था इसलिए ऑडियंस को पसंद आने लगी, जैसे ही मैंने इससे बातचीत बंद कर दी ऑडियंस को इरिटेटिंग लगने लग रही थी। ये इस प्लेनेट की नहीं है दोस्तों, ये दूसरे प्लेनेट की है, इसने बिग बॉस भी सही से नहीं देखा, इसने दूसरा बिग बॉस देख लिया कुछ, इसने कहीं और ही खुद को देख लिया, इसने फुकरा इंसान के मुंह पे अपने मुंह का स्टिकर लगा के देखा है बिग बॉस मुझे लगता है। इसमें बिग बॉस का TRP लो है, उसका रीजन क्या है आप बताना चाहोगे? भाई ये अच्छी ट्रिक है, कोई भी कुछ बोले कुछ भी हर कुछ बोल लो खुद का। कौन से शो की TRP नहीं बढ़ी भाई, ये तो एलविश यादव के सपोर्ट में थी तो अब एलविश के भी अगेंस्ट बोल दिए कि प्ले ग्राउंड में गए थे वो लोग तो उसकी TRP नहीं बढ़ी, सबकी TRP बढ़ा दी भाई, सब जगह बुला रहे उनको, सारे गाने सारे वीडियो यूट्यूब पे ट्रेंडिंग 1 पे चल रहे भाई, इसकी दुनिया लगे इस दुनिया में रह नहीं रही, इसकी गलती नहीं दोस्तों। एक्चुअली बेबिका आप सही कह रहे हो क्योंकि इस बार सबने कमेंट्स में भी डाला है कि जो OTT 2 था उसका कंपेयर ये वाला सीजन नहीं, नहीं कर पा रहा है, लेकिन आप देखिए ना OTT 2 के भी जो थे और ये जो दूसरों को बोल रही है इसके खुद के YouTube पे कितने व्यूज आ रहे हैं, 10,000 नहीं आ पा रहे हैं, लिटरली 10,000। पर यार ये जिंदगी बहुत बढ़िया है अरविंदो, जिंदगी खुद की दुनिया में जियो, ऐसी की तैसी दुनियादारी की कोई कुछ भी सोचे, मैं मेरी दुनिया में मिट्टू। कंटेस्टेंट टॉप 3 वो फिर से और शोज में भी गए बट वो शो भी नहीं चल रहे, टेम्पटेशन गए फिर वो कुछ Amazon Mini पे भी गए, इसको ये समझ नहीं आ रही कि उनको बुलाया क्यों गया, बुलाने का कोई तो कारण होगा, इस बिचारी को कोई क्यों नहीं बुला रहा है। आप जब तक वहाँ नहीं जाएंगे तब तक आप कैसे लगेगी, स्पाइस कैसे आएगा, मसाला यहाँ खड़ा है। हाँ ये तो फैक्ट भाई, मैं बताऊँ दिक्कत क्या है, उसको सब पता है वो क्या बोल रही है, वो एक्चुअली में खुद का प्रमोशन कर रही है यहाँ पे कि उसको और लोग देखेंगे, वो बोलेगी कि मसाला मैं हूँ मेरी वैसे सीजन चला, तो इसको भी बुलाए लोग, इसके घर में भी रोजी रोटी आए थोड़ी सी है, ये बोलती है ना ब्रेड विनर, ये ब्रेड विन करना चाह रही है और कुछ नहीं, ये पर ब्रेड आपका विनिंग का नहीं होगा, ये चोरी का होगा बेबी का जी। तो भाई मैं फुटारा में बैठा हूँ, तुम अभी डॉली भाई की टपरी से आया हूँ,
तो उसने मेरे साथ में ऐसी बात करा है कि आप देखोगे खुद ही समझ जाओगे क्या क्या बात करा उस। मैं उसके बाद बस चाय और फोटो क्लिक करने के लिए गया था, उसने इतनी बदतमीजी से बात करने लगा। अरे भाई देखो बोला ना 6 बजे के बाद आना। देखो भाई डोली भाई बोल रहे हैं कि बोला 6 बजे के बाद आना। डोली भाई बेचारे काम करेंगे फोटो खिंचवाए, वड़ा पाव गर्ल जैसा काम नहीं उनका। माइक लगा लिए, कैमरा मैन आ रहे हैं। नहीं डोली भाई अपनी चाय को इज्जत देते हैं, वो ऐसे उचका उचका के चाय ले रहे हैं। तुम फोटो खींचते आगे चाय गिर गई तुम्हारे मुंह पे, तुम फिर भी रोगे। मैं डोली भाई को सपोर्ट करता हूँ भाई, मैं नागपुर जाऊंगा तो चाय पीने जरूर आऊंगा डोली भाई। वो अलग बात है मेरे को लैक्टोस इंटॉलरेंस है, मेरी हालत खराब हो जाएगी पर पीऊंगा मैं फिर भी चाय। 3 बार आया मेरे पास डोली भाई ने बोला भी 3 बार आयो। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना मेरी जान। ये मेरी जान वाले सारे दूसरों की शायरी है, उचका उचका के बोलते रहते मेरी जान। तूफान में कश्तियाँ और घमंड में हस्तियाँ अक्सर डूब जाती है मेरी जान। और तू भी मेरी बात याद रखना, तू उसके पास आया क्योंकि वो है डोली चाय की टपरी, और उसने तेरे को बताया क्योंकि तू उसको दिखा एक नंबर का छपरी। हाँ मेरी जान। दोस्तों डॉली चाय वाला ने वरुण धवन पर लगा दिया है बड़ा आरोप। दरअसल सिर्फ चाय बेचकर डॉली बिलगेट से मिल लिए और रोल्स रॉयस खरीदकर देश के दूसरे सबसे। एक तो ये बेचारा वीडियो बनाता किसी गाड़ी के पीछे, तुम उसको उसकी बता देते हो, वो रोल्स रॉयस खड़ी कर ली। उसकी नहीं है बेचारे की, किराए की गाड़ियां होती है, सिर्फ वीडियो बनाई जाती है तो किसी और की होती है, दुबई में बहुत मिल जाती है। जिसके बाद बॉलीवुड ने उनकी बायोपिक बनाने की ठानी, जिसका नाम होगा टपरी का छपरी। फिल्म में डॉली के रोल के लिए पहले युजवेंद्र चहल को चुना गया, लेकिन वो इतने रियलिस्टिक लग रहे थे कि मेकर्स को लगा कि कहीं लोग इसे डॉक्यूमेंट्री ना समझ ले, जिसके बाद ये रोल वरुण धवन को मिल गया। ये कहीं और की क्लिप है, मुझे तो लगता भी नहीं है कि वरुण धवन डॉली की टपरी बना हुआ है। और कॉस्ट्यूम फिटिंग के दौरान डॉली के गेटअप में उनकी पिक्चर वायरल हो गई। पिक्चर देख डॉली ने फिल्म के मेकर्स पर अपनी पॉपुलैरिटी गिराने की साजिश का आरोप लगाया और उनका रोल शाहरुख सलमान या किसी फॉरेन के बंदे से करवाने की मांग रखी। फिल्म में वड़ा पाव गर्ल का भी होगा कैमियो, जिसका रोल वो खुद ही करेंगी क्योंकि वरुण धवन की तरह वह भी हैं ओवर एक्टिंग में निपुण। वहीं वड़ा पाव सुनते ही भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने भी फिल्म में पैसे लगाने का दे दिया ऑफर। बेटा आप बताइए कि पापा बिग बॉस में क्या लग रहा है आपको, आप एक्साइटेड हैं? हाँ, आप खुश हैं? बहुत बड़ा, क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्ल्स होती है। क्या होती है? गर्ल्स होती है। अच्छा, बाबा कुछ किसी को पटा ना ली। मैं बताऊं ये बेचारे बच्चों को सिखा पढ़ा के लाते घर से, बेटे माइक पे बोलते ना पापा किसी को पटाना ले, सब फनी हो जाएगा, सब हंस देंगे कि इतनी सी बच्ची पापा की वैसी बातें कर रही है। वरना इतने इतने से बच्चे बेचारे ऐसा थोड़ी सोचते हैं, और अपने पापा के बारे में कोई बच्ची ऐसा नहीं सोचती कि मेरे पापा किसी लड़की को पटाएंगे। पापा मम्मी के साथ लॉयल रहे, सारे बच्चे यही चाहते हैं कि पापा और मम्मी आपस में लॉयल रहे तो ही जिंदगी अच्छी है। क्या पता बेचारे बच्चों को क्या क्या सिखा पढ़ा रहे हैं अपने व्यूज के लिए। शिवानी एंड अंबानी एंपायर खान, ये भाभी भैया बैठे हैं खाना खाए निकले, खाना मिल गया है हम अब खान जा रहे हैं। भैया भाभी तो खान लगे हैं, भाभी अपने लड़का में लगी हैं। ये कैसी ब्लॉगिंग है भाई, ये अलग ब्लॉगिंग है, न्यूज रिपोर्टिंग है। अब जा रहे हैं, अब खा रहे हैं, भाभी भैया में लगी हैं, नहीं सॉरी उनके लल्ला में लगी हैं। पता नहीं वो क्या परेशानी है, बहुत सुंदर लग रही हैं आप। थैंक यू। ये तो पर पहले से जानते थे मेरे ख्याल से, बिग बॉस में जाने से पहले तो जानना नहीं चाहिए ना एक दूसरे को। वीडियो बनानी पड़ेगी लगता है फिर से। मैं दुकान जा रहा हूँ। अकल की दुश्मन। यार कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेहनत करी है बेचारे ने, दो कपड़ों को आपस में जोड़ा है, आधे मुंह पे मेकअप किया है, आधे मुंह की दाढ़ी हटाई है, अर्ध भजरू सा बन गया है वो, फिर भी बेचारा गलत किया यार भाई, तूने अपने साथ ये अच्छा नहीं किया, थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। ये क्या हरकतें हैं, हॉन्टेड हाउस में भूत देखने आए थे। इलाहरा भाई हो। और दोस्तों एक क्लिप मेरे को ऐसी मिली है जहाँ पे किसी ने AI के थ्रू बिग बॉस के द्वारा रोस्ट करवा दिया अंदर बैठे हुए लोगों को, वो देख लो एक बार, और अगर मजेदार लगे तो मुझे बताना, ऐसी बहुत सारी वीडियो है अपन उस पर भी एक रिएक्शन बनाएंगे। दीपक जी बोलो जुबान केसरी। बेचारा च्युइंगम खाता है यार, जुबा केसरी थोड़ा ना, गुटका थोड़ी खाता है बेचारी। पूजा भट्ट के साथ भी यही हुआ था। नहीं आप तब तक ही क्यूट हैं जब तक आप म्यूट हैं। बहुत चीखती यार सच में, बहुत चीखती है, कान फाड़ देती है इतना भयंकर। एक तो पता है मेरे को ऐसा लगता नहीं कि उसकी टोन सच में वैसी है, क्योंकि मैंने ब्लॉग वगैरह भी देखे, वो ज्यादा चिल्लाती है वो, शायद उसको लगता है कि माइक ठीक से काम करे ना करे आवाज पहुंचनी चाहिए। रोमी आपके बारे में कुछ कहूंगा तो कमेंट में विवाद हो जाएगा। कृतिका आपको देखता हूँ तो अरमान के यूट्यूब चैनल पर उठने का मन करता है। बाप रे क्या भाई, क्या क्या बोल रहे हो। या मुझे एक बॉडीगार्ड की जरूरत है, आपसे मैं बाद में बात करता हूँ। मोनिशा जी अगर आपकी टैरो कार्ड वाली बिक रही होती तो आपको यहाँ आने की जरूरत ही ना पड़ती। ये सब चीजें अगर सही में बोली होती तो वो लोग हंसना कंट्रोल नहीं कर पाते, डेफिनेटली हंस देते। आप साबुन से हाथ धोकर वड़ा पाव बनाया करे, आपका टट्टी वाला वड़ा पाव खाकर लोगों के पेट खराब हो जाते हैं। तो
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, बहुत मजा आया। और एक और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि और किस पे देखना चाहते हैं। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।